अस्सलाम वालेकुम, मैं उसाद और ये है शहबाज रशीद अहमद और मैं हूँ वकास। और अभी जो है हम पूना पहुँच गए और यहाँ से जो है वाटरफॉल की तरफ वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी हाइकिंग है, देखते हैं। यहाँ पे रास्ता काफ़ी ख़राब है, बारिश हुई है जिसकी वजह से जो है पाव स्लिप हो रहा है। तो बड़े एहतियात से जा रहे हैं। उफ, बड़ा गंदा रास्ता है। मैं तो ऑलमोस्ट पहुंच गया, खुर्शीद पहले गया हुआ है और शहबाज और वकास। अभी भी ट्रैफिक में जो है जाम है। मैं तो ट्रैफिक से निकल गया और ये शॉर्टकट रास्ते को इख्तियार किया है और बस पहुँचने वाला हूँ। इंजॉय किया यार, अभी तक तो अफसोस कर रहे हैं। होप्स हो कि इंजॉय भी करें। चढ़ने कार कुर्सी है पाऊँ। अभी हम पहुंच गए जो मेन जगह है, अम्ब्रेला वाटरफॉल वहाँ पे। और एकदम से जो है बारिश आई है। खुर्शीद पहले पहुँचा था, ऊपर से बारिश हो गई है तो रास्ता गीला हो गया है। हमारे दो जवान बंदे वापस चले गए। दो जवान बंदे जो है वो आए थे इस पॉइंट तक, बस 2 मिनट का रास्ता था और वो वापस चले गए। सब छोटी छोटी लड़कियाँ है, इतनी सी बस बारिश आ गई है। और यहाँ पे जो है कोई सीन नहीं है छुपने का, तो इस वजह से जो है अगर आना चाहते हैं तो पहले से पूरा इंतज़ाम करके आए। मोबाइल वगैरह हो, वॉलेट हो, कैमरा हो, तो वो उसका सही से इंतज़ाम करके आए। और अभी हम जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है तो हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। ये क्या सीन बनाया हुआ है, टिकट ले रहे हैं। इस जगह पे कौन सा टिकट है? ये लोकल लोगों ने जो अपना बिजनेस बनाया हुआ है, टिकट ले रहे हैं। ये क्या बात हुई? हमने तो नहीं दिया। टोटल 4 बंदे आए थे हम, 2 यहाँ पे है और 2 जो है वो गायब हो गए, गाजी बन गए, वो वापस चले गए। उनके साथ रब्ता भी नहीं हो रहा क्योंकि जब हम पहुंचे तो बारिश आ गई। हमने फ़ोन वगैरह रख दिए, कैमरा भी रख दिया, वो टूटाया है, बाकी चीज़ें रख दिए। तो उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं हुआ। वो पीछे आ रहे थे तो बारिश आ गई, वो पता नहीं फिर से शायद ऊपर चले गए। तो प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था। वो इस तरह के 1 हफ्ता पहले हमने डिसाइड किया और बुकिंग की गाड़ी की कि हम जाएँगे और 8 बजे निकलने का प्लान था और हम उठे 2 बजे, तो वो तो कैंसिल हो गया। फिर दूसरी दफ़ा भी ये सीन हुआ। ये तीसरी दफा थी, आज भी लेट हो रहे थे लेकिन हमने कहा कि नहीं जाना है, ज़रूर जाना है, ये जगह तो देखनी है। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए, जिसका बड़ा नाम सुना था, वीडियो देखे थे, अम्ब्रेला वाटरफॉल। और अब हम अम्ब्रेला के नीचे हैं। मैं हर वीडियो में ये मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ ऐसे जगहों पे जाके जो है सफाई का ख्याल ख्याल रखें, या फिर कोई नहीं आता कि वो सफाई करे, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आए जो कुछ खाए पिए वो अपने साथ लेके जाए या उसको आग लगाए। तो यार प्लीज़ ये वीडियो अगर कोई देख रहा है और ऐसी जगहों पे जाता है, ये नहीं कि सिर्फ अम्ब्रेला वाटरफॉल, जहाँ भी जाता है सफाई का बहुत ख्याल रखें यार, काइंडली प्लीज़। जगहों पे जो है मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, एकदम से जो है बारिश आ गई, फिर सूरज निकल आया और अभी जो है बादल आ गए, दूर से बारिश आ रही है। इस वजह से जो दोस्तों नहीं आए शहबाज और आंसू तो ऊपर है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर का एरिया देखते, नीचे तो हमने देख लिया और फिर इसके बाद जो है ऊपर जाते हैं बारिश आने से पहले, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो फिर जो है यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मुश्किल है, बारिश हुई है तो पैर स्लिप होता है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल है। तो बारिश आने से पहले पहले हम निकलते हैं। जी तो हमारे भाई ने मुझे देख लिया करते हुए, भाई जो है कराची से आए हैं, कह रहे कि मैं क्या करूँगा, मैं लाइक भी करूँगा, कमेंट भी करूँगा, सब्सक्राइब भी करूँगा, शेयर भी करूँगा, ये फुल सपोर्ट है, इस तरह हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दूसरा वो भी कराची से आया हुआ दोस्त है, मतलब भाई हो गया, आपका फैन है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कहोगे, तो आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे, आजकल लाइक्स नहीं आ रहे, लोग पिछड़े हुए मिल जाते हैं, ये भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो आप लाइक करें, ये सुन लें आप यूट्यूब पे चढ़ाएंगे, बाकी ये है कि सपोर्ट किया करें भाई, आप भी काम करते हैं और किसी के लिए, ठीक है, से ज़्यादा चैनल इनको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये है कि बाकी लाभ है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, कैंसिल कर देना प्लीज। तो ये ऑलमोस्ट हम पहुंच गए ऊपर तक। अब यहाँ से जो है कुछ देर स्टे करते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, वो दूसरा जो रानीचे वाटरफॉल है वो देखेंगे, फिर उसके बाद वापसी बता क्यों। और आज मैं आपको एक ऐसे बंदों से मिलवाता हूँ जो कि टूर पे आते हैं और मेन जगह से जो है वापसी कर लेते हैं, कहते हैं कि हमें डर लगता है, हम नहीं जा सकते। और वो ये दो बंदे हैं, ये देखे ज़रा, इन दोनों का चेहरा देख ले, ये है वो बंदे जो टूर पे आते हैं। और क्या मसला था बारिश हो गई यार बीच में, क्या तो हम बारिश में उतरे हैं, वो चीटिंग किया। बारिश से पहले तुम लोग उतरे हो। आपसे लड़कियां बेहतर थी, लड़कियां वहाँ पे जो है लड़कियां हमने देखी वहाँ पे रोने लग गई थी और तुम लोग कह रहे हो मैंने अपने आंखों से देखी है ना। लड़कियां तो नीचे आ गई थी ना, मतलब वो हमसे आपको नहीं, वो हमसे पहले बारिश में इस बंदे को भी है ये देखे आए है और नीचे नहीं, इसके मुझे देखे और इसके कारनामे देखे। क्या करना लीन शेव कर लो यार, ये नहीं जान है तो जहान है। तो आज का हमारा जो ट्रिप था वो इख्तिताम तक पहुंच गया। थोड़ा स्टे किया है ऊपर आके, चाय शाय पिए, गपशप लगाया है और अभी यहाँ से जो है निकले, गाड़ी में बैठेंगे। आगे एक वाटरफॉल है, दिल किया तो रुक जाए, दिल नहीं किया नहीं रुकते। दिल किया तो रुक जाएंगे नहीं रुकते और ना चले जाएंगे, क्योंकि हम तो सही में थक गए। और ये दो बंदे जो है येलो शर्ट वाले ये तो ज़रा भी नहीं थके, लेकिन फिर भी जो है खैर मैं इनसे पूछता हूँ कि किस तरह इन्होंने एंजॉय किया कि नहीं, क्योंकि वाटरफॉल तो इन्होंने देखा ही नहीं। जी ओवर टू यू। यार सही है, मतलब कुछ भी एंजॉय नहीं है। सही है, मैं कहता हूँ घर पे बैठो आराम करो, इससे बेस्ट फीलिंग्स का नहीं है। और ये हमारा दूसरा गाजी ये लो भाई जो आके जो है वाटरफॉल के अरमान से आया था और वो नहीं देखा। झूठ कह रहे हैं, नीचे नहीं जाने का नीचे नहीं जाने का। अरे देखे क्या हुआ मलक साहब, ये हो रहा है कि 3000 रुपये भी दो, पैदल भी चलो डबल पैसे मजे। ये देखो चला गया, ये क्या रास्ता है। तो ये जब अम्ब्रेला वाटरफॉल आप लोग जाते तो रास्ते पे ये एक अबशार आता है, बड़ा ही खूबसूरत है। इससे आगे एक और भी आता है, तो अगर आना हुआ और टाइम था तो ये भी देख ले।